दोस्तों आज वर्ल्ड कप क्वालीफायर का यहाँ पर जिम्बाब्वे और यहाँ पर यूएसए के बीच बहुत ही शानदार मुकाबला खेला जा रहा है। दोस्तों इस आज के मुकाबले में जिम्बाब्वे ने यहाँ पर प्लेयर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करी। दोस्तों यहाँ पर कप्तान सीन विलियम्स ने आज के मुकाबले में बहुत ही शानदार मैच खेला और यहाँ पर शतक मारी दिया। दोस्तों अभी यहाँ पर 148 रनों के स्कोर तक पहुँच चुके हैं। इस क्वालीफायर के मुकाबले में 148 रन तक पहुँच चुके हैं, अपने 150 रन के आंकड़े से मात्र 2 रन ही दूर है। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पारी की शुरुआत करी, यहाँ पर जोय घुम्बी इनोसेंट काया ने दोनों ही बल्लेबाजों ने पारी की शुरुआत बड़ी शानदार करी। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच यहाँ पर 100 रन की पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई। तो सब बात करते हैं घुम्बी की, जिन्होंने 103 गेंदों का सामना करते हुए 78 रन बनाए, 5 चौके लगाए। इसी दौरान केंजी गेंदबाजी करना है और मोहम्मद पटेल ने गेस्ट क्लब का स्टंपिंग किया और घुम्बी 78 रन के स्कोर पर आउट। अच्छा स्टार्ट दिया जिम्बाब्वे को। इनोसेंट काया की बात करें तो 41 गेंदों पर 32 रन ठोके, इसमें इन्होंने एक छक्का और एक चौका जमाया। जसदीप सिंह गेंदबाजी करना है, यहाँ पर शायन जंगीर ने कैच लपका और यहाँ पर ओपनिंग बल्लेबाज इनोसेंट काया भी 32 रन स्कोर पर आउट हो गए। तीसरे नंबर आए कप्तान सीन विलियम्स ने, यहाँ पर 86 गेंदों पर 148 रन ठोक दिए, जिसमें यहाँ पर 218 चौके लगाए तो 4 लंबे लंबे छक्के मारे। 172 की शिकट से अभी यहाँ पर कप्तान सीन विलियम्स बल्लेबाजी कर रहे हैं और 150 रन से मात्र 2 रन ही दूर है। और दोस्तों ये दोहरे शतक भी यहाँ पर मारने के बेहद ही करीब है, मार सकते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर आए यहाँ पर सिकंदर रजा ने 27 गेंदों पर 48 रन की तूफानी पारी के लिए, जिसमें 5 चौके 2 छक्के जड़े, 177 की शिकट से बल्लेबाजी करी। परेडर ने यहाँ पर रजा को 48 रन के स्कोर पर आउट किया और अपनी 50 सही है महेश यहाँ पर 2 रन से चूक गए। दोस्तों बात करते हैं अभी यहाँ पर 4 रन ही एक्स्ट्रा के मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों एक्स्ट्रा रन की बात करें तो बहुत ही कम रन दिए यूएसए की टीम ने जिम्बाब्वे को, लेकिन दोस्तों अभी 43 ओवर हो चुके हैं और यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम ने 311 रन का विशाल स्कोर अभी तक यहाँ पर खड़ा कर चुके हैं और 3 विकेट गवाए हैं अपने। इसी दौरान 7.23 के रन रेट से अच्छी बल्लेबाजी करी है। दोस्तों इसके बाद विस्तृत मदवीर है तनविंदी मरोमनी वेलिंगी मसाक्सा लुके जोंगवे रिचर्ड नगरवा ब्रेन इवर्स को आना बल्लेबाजी करना बाकी है। दोस्तों पहला विकेट जिम्बाब्वे का 56 रन स्कोर पर गया काया का, दूसरा विकेट 216 पर गया। दोस्तों इसके बाद सीधा 116 रन की पार्टनरशिप हुई यहाँ पर घुम्बी और यहाँ पर सीन विलियम्स कप्तान के बीच। दोस्तों इसके बाद तीसरा फिर से 304 पर गिरा भी सिकंदर रजा का। यहाँ पर रजा ने भी विधि शानदार यहाँ पर अपनी टीम के लिए एक आतिशी पारी खेल कर दिखाई और यहाँ पर टीम को एक अच्छी स्थिति पहुँचाई। अभी टीम यहाँ पर 300 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी है और ये आंकड़ा दोस्तों आगे भी और जा सकता है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यहाँ पर कप्तान सीन विलियम्स अब किस तरह अंत के ओवरों में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं और दोस्तों क्या आप यहाँ 150 मार पाते हैं, क्या वो शतक के करीबी पहुँच पाते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से और यहाँ पर दर्शकों के लिए। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर यूएसए की गेंदबाजों की, तो यहाँ पर केंजी ने 10 ओवर में 62 रन दिए विकेट निकाला, अभिषेक पड़ेकर ने 7 ओवर में 57 रन दिए विकेट निकाला, जैसे सिंह ने 7 ओवर में 50 रन देकर एक यहाँ पर विकेट निकाला। वहीं यहाँ पर निशाक पटेल ने 3 ओवर में 30 रन दिए, उस्मान रफीक ने 3 ओवर में 24 रन देकर यहाँ पर 8 की गर्मी से रन खर्च किए। तो वहीं स्टीवन टेलर ने भी 10 ओवर में 37 रन दिए, 10 ओवर पूरे फिर इन्होंने एक ही विकेट की विकेट नहीं मिला। 6.70 की इकोनॉमी से गेंदबाजी रही स्टीवन टेलर की। यहाँ पर गजानंद सिंह की बात करें तो 3 ओवर में 24 रन दिए 8 की इकोनॉमी से। सबसे अच्छी गेंदबाजी की बात किया तो सो रही है नौसून कैजनी की, जिन्होंने 10 ओवर में 62 रन दिए और एक विकेट निकाला। अभी तक यहाँ पर अभिषेक पड़ेकर नौसुथ कैनिची और जयसी सिंह को यहाँ पर एक एक विकेट मिल चुका है। तो सभी यहाँ पर कप्तान जिम्बाब्वे कप्तान सीन विलियम्स भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप जिम्बाब्वे के फेमस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों क्या जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पर 350 का आंकड़ा पार कर पाएगी और दोस्तों ये मुकाबला जीत पाएगी, ये देखना यहाँ पर बेहद ही दोस्तों दिलचस्प रहने वाला है।